हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको होम साइंस यानी गृह विज्ञान के टीजीटी पीजीटी में आने वाले महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 25 मार्च, 7 अप्रैल या 16 जून? तब हम इसे मनाते हैं। इसका राइट जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्षेत्र दक्षिण पूर्वी एशिया का मुख्यालय है, यानी इनका मुख्यालय हमें बताना है कि मुख्यालय विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली, वॉशिंगटन, मनीला, कोपेनहेगन? तो इसका राइट आंसर आएगा दिल्ली, यानी दिल्ली जो है इसका आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। नेक्स्ट है, यूनिसेफ का लक्ष्य है, यूनिसेफ आप सभी ने सुना होगा, यूनिसेफ का लक्ष्य है मातृ एवं शिशु कल्याण, जन स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, बच्चों का सर्वांगीण विकास। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है बच्चों का सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना स्विफ्ट हेनरी डोनेट द्वारा कब की गई? यानी रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई? 1864 में, 1930 में, 1965 में या 1920 में? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा 1864 में। 1864 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना वर्ष 1955, 1959, 1962 या 1965? तो इसका राइट आंसर है 1959 में। इसका राइट आंसर है 1959। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है? यानी इनमें से संतुलित आहार के लिए क्या चीज आवश्यक नहीं है? तो वो है, सबसे पहला है फल व सब्जी, सलाद, दाल या चाय। तो हम सभी को पता है संतुलित आहार के लिए फल, सब्जी, सलाद, दाल ये हमें खानी चाहिए, लेकिन चाय जो होती है वो संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं मानी गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए प्रतिदिन लगभग कितना प्रोटीन चाहिए? 0 से 6 महीने यानी नवजात शिशु से 6 महीने के बच्चे के लिए रोजाना कितना प्रोटीन चाहिए होता है? 0.5 ग्राम, 1 ग्राम, 1.5 ग्राम या 2 ग्राम? तो इसका राइट आंसर है 0.5 ग्राम। अल्फा लोपेइक एसिड इनमें से किसमें पाया जाता है? कुछ एसिड्स होते हैं जैसे अल्फा लोपेइक एसिड है, ये इनमें से किस में पाया जाता है? आलू में, लहसुन में, टमाटर में या समुद्री खाद्य पदार्थ में? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है आलू, आलू में अल्फा लोपेइक एसिड पाया जाता है। ऊर्जा को मापने की विधि को क्या कहते हैं? ऊर्जा को हम जब मापते हैं तो उसकी विधि को फोटोमेट्री कहते हैं, ज्यामितीय कहते हैं, तापमान कहते हैं या फिर कैलोरीमेट्री कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है कैलोरीमेट्री। ऊर्जा को मापने की विधि होती है कैलोरीमेट्री। ऊर्जा को मापने की इकाई क्या है? ऊर्जा को मापने की इकाई ग्राम, जूल, केल्विन या बोन्स? तो ऊर्जा को मापने की इकाई आप सभी को पता होगा वो है आपकी जूल। विराम अवस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा है, यानी जब हम आराम की अवस्था में होते हैं तब जो शरीर से जो ऊर्जा हमारी व्यय होती है वो इनमें से कौन सी है?
आधारभूत उपापचय कैलोरी जूल या कैलोरीमेट्री। आधारभूत उपापचय यानी बेसल मेटाबॉलिज्म, कैलोरी जूल या कैलोरीमेट्री। तो इसका राइट आंसर होगा आपका आधारभूत उपापचय। इसे हम इंग्लिश में बेसल मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। एक्चुअली बेसल मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जब हम आराम करने जाते हैं या लेटने जाते हैं या थोड़ी देर के लिए हम विश्राम करते हैं, तब क्या होता है, जब हमारे शरीर में कुछ अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे कि हम सांस ले रहे हैं या हमारा खाना उस समय पच रहा है, हमारा हृदय धड़क रहा है, तो ये सारी जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं वो लगातार होती रहती हैं हमारे शरीर में। और उसके होने पर जो हमारे शरीर के द्वारा जो ऊर्जा व्यय होती है उसे हम बेसल मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। तो विराम की अवस्था में शरीर में जो ऊर्जा, वांछित ऊर्जा होती है, यानी शरीर के द्वारा जो ऊर्जा व्यय की जाती है, उसे हम आधारभूत उपापचय या बेसल मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओआरएस में ग्लूकोज किस लिए मिलाया जाता है? ओआरएस में ग्लूकोज किस लिए मिलाया जाता है? सोडियम का अवशोषण, ऊर्जा का स्रोत, स्वाद या कोई नहीं? तो ORS में ग्लूकोज ऊर्जा के लिए मिलाया जाता है। जब हम ORS तब पीते हैं जब हमें उल्टी या दस्त लगे होते हैं, तब उसमें हमारा क्या होता है, शरीर बहुत वीक हम लोग महसूस करते हैं और उसी ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए ORS में थोड़ा सा ग्लूकोज मिलाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का मूल स्रोत है सौर ऊर्जा, यानी मेनली जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है? पहला है सौर ऊर्जा, कोयला, गोबर गैस या पेट्रोलियम। तो इसका राइट आंसर रहेगा सौर ऊर्जा, क्योंकि मेन जो ऊर्जा आती है वो हमें सौर ऊर्जा से आती है। एक एक क्वेश्चन है, सेल्सियस तथा फारेनहाइट पैमाने एक ही रीडिंग देते हैं, कौन से पैमाने पर एक ही रीडिंग आएगी, सेल्सियस की भी और फारेनहाइट की भी? तो इसका ऑप्शन है -40 डिग्री ताप पर, -30 डिग्री ताप पर, -273 डिग्री ताप पर, -100 डिग्री ताप पर। तो इसका राइट आंसर है -40 डिग्री ताप पर। सेल्सियस और फारेनहाइट एक ही रीडिंग देते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, अगर आपको पता है तो उसे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, हमारी एक सामान्य मनुष्य के बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दहन की ऊष्मा एक साधन से नापी जाती है जो कहलाती है, दहन की ऊर्जा क्या कहलाती है? बम कैलोरीमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, पीएच मीटर या लैक्टोमीटर। तो दहन की ऊष्मा एक साधन से मापी जाती है जिसको हम बम कैलोरीमेट्री कहते हैं। तो यह थे कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको अच्छे लगे हों या आपके लिए कुछ यूजफुल रहे हों तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।